उसको डाइल्यूट नहीं किया जा सकता है। ये बहुत गंभीर विषय है, अगर हम इस पे गंभीर होकर के चिंतन नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, एक एक आदमी को हम अलर्ट नहीं करेंगे, तो फिर एक्चुअल वॉरफेयर में क्या होगा गॉड नोस। एट दैट टाइम डोंट ब्लेम। कड़ियों को जोड़ने से भी कभी किसी क्राइम या गुनाह का खुलासा हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे कड़ियां यहां पे एक से करके दूसरी दूसरे, और अभी नहीं, पिछले दसियों साल से, बीसियों साल से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एक दूसरे से कड़ियां जुड़ रही हैं, और चाइना कैसे डेलिबरेटली विलफुली इस चीज को कर रहा था। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसको एलोन मैं बोलता हूं, दैट इज ओनली द कटोरा डिप्लोमेसी इन एंटायर वर्ल्ड। कटोरा डिप्लोमेसी जो है वो किसी के सामने भी, छोटे छोटे देशों के सामने भी, वो उनकी सारी डिप्लोमेसी कटोरा डिप्लोमेसी ही चलती है। कोविड का ये इन्फेक्शन ये भी बताता है कि हाउ मच इंडिया इज रेडी फॉर सम सच काइंड ऑफ द वॉरफेयर, केमिकल और यू कैन से द बायोलॉजिकल वॉरफेयर, जहां पे ट्रेसेस नहीं मिलते हैं, जहां पे कोई प्रूफ नहीं मिलता है, सर्कमस्टेंसेस इविडेंस जिसको बोला जाता है। उस हिसाब से अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो सारे के सारे डाउट चाइना के तरफ और उसके विलफुल एक्ट की तरफ जाते हैं। हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है जैविक हथियारों का नया युग। आप सबको पता ही है कि पूरी दुनिया इस वक्त कोविड पेंडेमिक को फेस कर रही है, और पिछले एक साल से कंटिन्यू लगातार, उससे भी ज्यादा का वक्त हो गया है, पूरी दुनिया इस पर अभी कंप्लीटली कवर अप नहीं कर पाई है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है जैविक हथियारों का नया युग, आखिर कब तक जैविक हथियार बनाने की भूख दुनिया की महाशक्तियों में लगातार बनी रहेगी। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आज। जी धन्यवाद। इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड नॉर्म है, ये मेरे अपने वर्ड्स नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, 16 पॉइंट ऐसे हैं, सिम्टम्स इविडेंस सर्कमस्टेंशियल इविडेंस जो होता है, जो वकील वगैरह है लॉ में यूज करते हैं, ग्लोबल लेवल पे जो सर्कमस्टेंशियल इविडेंस है उसके बेसिस पे अगर मैं कोरोना को देखूं, एक मिनट लूंगा, मैं आपको 16 पॉइंट बताता हूं। जिन लोगों ने इन पॉइंट, जो लोग इन पॉइंट को सुनेंगे वो मेरी बात को, मेरे लॉजिक को, मेरे एनालिसिस को, डिफेंस के इस एनालिसिस को काट नहीं पाएंगे। पहला है सिंगल कॉज ऑफ ए सर्टन डिजीज कॉज बाई एन अनकॉमन एजेंट। अनकॉमन एजेंट मतलब कोविड वायरस, इसके पहले वो नहीं आया था कोविड वायरस, इट इज अनकॉमन एजेंट विद लैक ऑफ एन एपिडेमियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। मैंने पहले ही बोला था कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कहां से पैदा हुआ, क्यों हुआ। दूसरा है अनयूजुअल रेयर जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्ट्रेन ऑफ एन एजेंट, इसके ऊपर भी कि ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड है लोगों के डाउट है। हाई मोर्बिडिटी एंड मोरलिटी रेट्स इन रिगार्ड्स टू पेशेंट विद द सेम और सिमिलर सिम्टम, सेम ये सारे लक्षण मिल रहे हैं। अनयूजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिजीज, बहुत से डायमेंशन पे इसके अनयूजुअल है। चाइना में क्यों नहीं हुआ, पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ, बांग्लादेश, अमेरिका और इंडिया में क्यों हुआ, इटली में क्यों ज्यादा हुआ। स्टेबल इंडेमिक डिजीजेस बट विद एन अनएक्सप्लेन्ड इंक्रीज इन रिलेवेंस, रेयर ट्रांसमिशन एरोसोल्स फूड वाटर, ये हो कैसे रहा है, रेयर ही तो है इसका स्प्रेड, एरोसोल्स के, हवा के थ्रू हो रहा है, सांसों के थ्रू हो रहा है। नो इलनेस प्रेजेंटेड इन पीपल हु वर आर नॉट एक्सपोज टू कॉमन वेंटिलेशन सिस्टम, have separate closed ventilation system when illness is seen in person in close proximity who have a common ventilation system। ये लक्षण भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। Different and unexplained disease coexisting in the same patient without any other explanation, जिनको कोरोना हो रहा है उनकी किडनी भी
प्रॉब्लम में आ रही है, उनको निमोनिया भी हो रहा है, उनको टाइफाइड भी हो रहा है, बहुत सारे डिजीजेस इसके साथ कोरिलेट कर रहे हैं जो कि ये ग्लोबल पैरामीटर बता रहा है। ये हमने डेवलप नहीं किए हैं, सारे साइंटिस्ट वगैरह ने किए हैं कि किस कंडीशन में एक चीज को जो है वॉरफेयर माना जाएगा, वायरस का वॉरफेयर या बायोलॉजिकल वॉरफेयर माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, रेयर इलनेस दैट अफेक्ट्स अ लार्ज डिस्पेरेट पॉपुलेशन रिस्पायरेटरी डिजीजेस माइट सजेस्ट द पैथोजन और एजेंट वाज इनहेल्ड। ये भी रिस्पायरेटरी सिस्टम से है। अच्छा, इलनेस इज अनयूजुअल फॉर अ सर्टेन पॉपुलेशन और एज ग्रुप इन विच इट टेक प्रेजेंस। इसके पहले जब आया था तो यंग पीपल को, बुजुर्गों को अफेक्ट कर रहा था, अभी ये कर रहा है, यंग पीपल को अफेक्ट कर रहा है, इसके सिम्टम्स, इसका मूड ऑफ एक्शन बदलता चला जा रहा है। अच्छा, मेनी अफेक्टेड रीचिंग आउट फॉर ट्रीटमेंट द सेम टाइम, बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं और एक साथ सब लोग ट्रीटमेंट के लिए गुहार लगा रहे हैं, ये भी लक्षण है। उसके बाद देखिए, सिमिलर जेनेटिक मेकअप ऑफ एजेंट इन अफेक्टेड इंडिविजुअल, जेनेटिक मेटेरियल, जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी सारे के सारे सिम्टम्स जो है वो यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके बाद कलेक्शन ऑफ सिमिलर इलनेस इन नॉन कॉन्टिजियस एरियाज डोमेस्टिक और फॉरेन, ये भी मिल रहे हैं अमेरिका से लेके पूरी दुनिया में आप देखिए। एंड अबेंडेंस ऑफ केसेस ऑफ अनएक्सप्लेन डिजीज एंड डेथ, ये लास्ट है मैम, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है लोगों की डेथ कैसे हो रही है, क्या दवा है, एक एरिया में हो रही है, सारे एरिया में। ये 16 पॉइंट ग्लोबल कम्युनिटी के द्वारा, विद्वानों के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए हैं कि किस कंडीशन में इसको मैन मेड बायोलॉजिकल वॉरफेयर माना जाना चाहिए। ये सर्कमस्टेंसेस इविडेंसेस हैं जिसके बेसिस पे डिसाइड होता है, चाहे प्रूफ मिले या ना मिले, किसी ने क्राइम किया या नहीं किया। ये मेरा काम नहीं है, मैं केवल नॉलेज को शेयर कर रहा हूं। ये काम है एजेंसीज का है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का है, क्या है क्या नहीं, किसने फैलाया किसने नहीं फैलाया, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जहां तक नॉलेज शेयरिंग की है, फैक्ट शेयरिंग की है, वो चीजें मैंने बताई। कोई भी एक्सपर्ट इन 16 पॉइंट के पैरामीटर पे उठा के देख ले, डिबेट कर ले या ना कर दे कि हाँ भाई चाइना की तरफ इशारा नहीं जाता है, डाउट नहीं जाता है, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। हमेशा मैं लॉजिकल चीजें बोलता हूँ और फैक्ट के बेसिस पे बोलता हूँ। मैम मिश्रा जी, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैम, बायोलॉजिकल वॉरफेयर अगर की बात की जाए ट्रेसेस में, ठीक है, साइंस जैसे जैसे एडवांस होता है चीजें या वॉरफेयर टूल्स एंड टेक्निक वैसे ही एडवांस होती चली जाती हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, जब से सभ्यताएं निकली हैं, उभरी हैं, तब से ये यूज किया जाता था एज पर अवेलेबल नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी इन पर्टिकुलर दैट एरिया और पर्टिकुलर इन दैट सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दैट सिविलाइजेशन। इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि हम लोग इससे इंट्रोड्यूस नहीं थे, ठीक है, सबसे लीथल जो अभी तक माना जाता था न्यूक्लियर वॉरफेयर माना जाता था, लेकिन इन चीजों को लेकर के इंडिया के साइंटिस्ट भी अवेयर थे और प्रिपरेशन इन सब चीजों पे चल रही थी। आप लोगों ने एड खबरें वगैरह देखी होंगी कि इंडियन मिलिट्री जो है बायोलॉजिकल वॉर और केमिकल वॉर के लिए, इन सब चीजों के लिए प्रिपरेशन कर रही है। क्वेश्चन ये है कि अगर हिस्ट्री देखें, ठीक है, बहुत पहले जैसे ग्रीस वगैरह में ये होता था, हिस्ट्री ऐसी भी है कि मंगोल के जो सैनिक डेड हो जाते थे उनको घसीट करके जो उनके दुश्मन एरिया है वहां पे डाल दिए जाते थे। उसके बाद और भी ऐसे थे कि तीर में कुछ ऐसे बायोलॉजिकल चीजें लगा दी जाती थी, एंथ्रेक्स वगैरह के, या कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ लगा दिए जाते थे जो कि लीथल हो जाते थे, विरोधी सैनिक को जो है टिटनेस हो जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर आप आए तो मैं सेकेंड पार्ट में डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑलरेडी इन सब चीजों को यूज किया गया है। एक सबसे खास चीज है 1925 के जिनेवा कन्वेंशन में इस चीज को डिनाई कर दिया गया कि भाई ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, एक यूनिवर्सल ट्रीटी बनी। उसके बाद रिचर्ड निक्सन पहले प्राइम मिनिस्टर थे, हालांकि बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए लेबोरेटरी वगैरह सारे कंट्रीज में है, रिचर्ड निक्सन ऐसे पहले यूएसए के राष्ट्रपति थे बिना किसी के प्रेशर में आके, उन्होंने सुओमोटो एक वर्ड यूज होता है यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने आप उन्होंने इस चीज को अमेरिका को एक तरफा मतलब मना कर दिया। उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया कि अमेरिका की लैब में अगर टेस्ट होंगे तो केवल ह्यूमिनिटी के लिए होंगे, मेडिसिन के लिए होंगे, न कि वॉरफेयर के लिए। अब बायोलेबोरेटरीज का प्रयोग नहीं किया जाएगा जहां पे ये सब घातक चीजें बनते हैं। रही बात चाइना की, अब चाइना के परिप्रेक्ष्य में अगर ये देखा जाए, मैंने भी बहुत सारी मीडिया देखी, डिबेट देखे, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, पता नहीं कौन से दिवा स्वप्न में, डे ड्रीमिंग में, या डर रहे हैं चाइना से या हिप्नोटाइज हैं। एक पॉइंट नहीं उठाया जा रहा है और जिसको कि मैं प्रूफ करूंगा, ये एक विलफुल टारगेटेड
बायोवार है इनिशिएटेड स्टार्टेड बाय चाइना, उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे क्रोनोलॉजी ऑफ एक्शंस ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट, जो उनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी और गवर्नमेंट का है कई सालों की, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ती हुई चैन यहां पे नजर आ रही है, जो कि मैं सेकेंड पार्ट में आपको कंटिन्यू करूंगा। यादव जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ कि जिस तरह से लास्ट ईयर भी ये बात चली थी, आपने मीडिया रिपोर्ट्स में भी देखा होगा, आप तो खुद फॉर्मर रो चीफ रहे हैं, कि क्या दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक 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 टेबल पर आकर चाइना को इसके लिए काउंटर नहीं करना चाहिए, उन्हें पूछना नहीं चाहिए? शायद उनका इंटरनेट इश्यू आ गया है बीच में थोड़ा सा, चलिए वो तब तक हमसे कनेक्ट करते हैं। मिश्रा जी, इसी मैं इसी 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 आंसर को मैं फुलफिल कर दूं, जब यादव जी आएंगे तो उनसे एक्सपर्ट ओपिनियन ले लीजिएगा, ये चीज होना चाहिए। मैम देखिए, जितनी सरकारें होती हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल, स्पेशली अगर ग्लोबल सिस्टम में देखा जाए, जहां पे यूनेस्को है, WTO वगैरह है, कोई भी एलिगेशन बिना प्रूफ के नहीं लगाया जा सकता है। कई बार तो चीजें नोन होने पे भी ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस कि रिलेशंस खराब ना हो, अच्छा वार भी हो सकते हैं गलत वो लगाने पे, तो ये एक हेजिटेशन हो सकती है कि कोई भी इंटेलिजेंस, या ये भी हो सकता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उनके हाथ में अभी उतने पुख्ता सबूत नहीं आए हैं। कोई भी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी होगी वो जिम्मेदार होती है, और बिना पुख्ता सबूत के वो कोई भी आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाती है। अभी आप देखिए, इसराइल ने एक आरोप ईरान के जो है न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर के किया था, वो प्रोजेक्ट की सारी डॉक्यूमेंटेशन आ गई थी, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है नितिन्याहू, जब उनके पास सारे डॉक्यूमेंटेड फैक्ट आ गए थे, तो उन्होंने खुद उस चीज को जो है लाइव PPT प्रेजेंटेशन किया था कि ये प्रूफ है, वहां पे ये चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये एक हेजिटेशन डेफिनेटली मुझे इंटरनेशनल एजेंसीज में डिफेंस के जो एक्सपर्ट है या गवर्नमेंट है उनके साथ मुझे ये नजर आ रही है, और शायद इसके कारण वो खुल के ना बोल पा रहे हो। कभी MI6 ने किया, कभी CIA ने किया, मुसाद ने भी इस पे किया, अपनी एजेंसीज ने भी किया, क्या दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक टेबल पर आकर चाइना को इसके लिए काउंटर नहीं करना चाहिए? यादव जी, क्या ये कोविड पूरी दुनिया में फैलाकर और हमारे भारत में इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हम लोग दौर से गुजर रहे हैं, क्या चाइना बैक हैंड पे कुछ और करने के मूड में है? मिश्रा जी, मैम देखिए, अभी तो वो कुछ नहीं करेगा, उसके पीछे रीजन है। देखिए, यहाँ पे एक सवाल का ये डिस्कशन इन कॉन्टिन्यूएशन ये हमें करना चाहिए कि ऐसा क्या है, चाइना के ऊपर क्यों आरोप लगाया जाए। देखिए, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, जितने भी गाइडलाइन है, उसमें कुछ क्लियर कट जो है सिम्टम्स दिए हुए हैं, रूल्स दिए हुए हैं 15-16, कि अगर वो 15-16 रूल्स मिलते हैं तो उसको बायो जो है वॉर जो है डिक्लेयर किया जाना चाहिए, पहली चीज, जिसमें ये होता है कि ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी चीज डेलिबरेटली या आपकी लापरवाही के कारण लैब से बाहर निकल गई। देखिए, चाइना क्या बोलता है कि ये गलती के कारण निकल गई है, चाइना जो बोलता है वो ये बोलता है कि गलती के कारण वुहान लैब से निकल गई है। कुछ ऐसा स्पेसिमेन निकले, ऐसी प्रजाति वायरस की या बैक्टीरिया की निकले जो कि अनकॉमन हो, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, जिसके बारे में कोई दवाई अवेलेबल ना हो दुनिया में, जो कभी सुनी ना गई हो। तीसरी चीज की दूसरी चीज है, दूसरे देश तो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कंट्री में इन्फेक्शन नहीं फैल रहा है उस चीज का। इस तरीके से करके 15-16 ऐसी ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे कैरेक्टर्स और सिम्टम्स को देख करके, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीजें आप देखिए चाइना के साथ मिलती हैं। ये वुहान से निकला, बैड वायरस था, चमगादड़ के ऊपर था भाई, ये पहली चीज ये है कि वुहान से ये निकला क्यों, ठीक है कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं कि उसमें बिल गेट्स वगैरह इन सब चीजों के भी कहीं ना कहीं से प्रासंगिकता या संलिप्तता दिखती है, वो डिफरेंट चीज है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वगैरह का कॉन्सेप्ट वो हम कभी करेंगे। तो वो सारे पैरामीटर्स जो इंटरनेशनल रूल है कि किस कंडीशन में भाई कहीं पे कोई इन्फेक्शन फैलता है, जैसे सार्स फैला, बर्ड फ्लू वगैरह फैला, तो उसको तो किसी ने नहीं बोला कि ये बायोलॉजिकल अटैक है, इसको क्यों बोल रहे हैं। जितने इंटरनेशनल पैरामीटर है उन सारे पैरामीटर को ये क्वालिफाई करता है, जिसके कारण डाउट ये जाता है चाइना में केवल वुहान में हुआ, चाइना में इतनी डेंसिटी है, वुहान से डेली बीजिंग, संघाई वगैरह के लिए ट्रेन, पॉपुलेशन का माइग्रेशन, बिजनेस पर्पज, इन सब चीजों से होता रहता है, वहां नहीं फैला। तो डेलिब्रेशन या विलफुल एक्ट तो ये यहीं पे समझ में आता है, डाउट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज जो कभी नहीं थी, ऐसा नहीं है, देखिए
वुहान का जो वायरस है वो ऐसा नहीं है कि किसी पशु में पक्षी में ये फैला और आदमी उस पशु और पक्षी के संपर्क में आया जिसके कारण ये आदमियों में फैल गया। अगर ये थियरी होती, ये प्रिंसिपल होता तो हम मानते कि ये नेचुरल डिजास्टर है, ये लैब में था, लैब से ये चीज बाहर आया और एक जगह लिमिटेड रहा जहां बाहर आया, बाकी पूरी दुनिया में फैल गया। इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, इसके टेस्ट के लिए उतने किट, उतने लैब नहीं है, उतनी सारे मतलब दुनिया पूरी अवेयर नहीं है, जितना भी मेडिकल सिस्टम है इसके बारे में अवेयर नहीं है। तो पहला चीज ये है कि इंटरनेशनल नॉर्म पे डेफिनेटली चाइना को ये आरोप लगाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली केवल एक आदमी ने लगाया था, वो थे यूएसए के भूतपूर्व प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब, और वो अनफॉर्चुनेटली चुनाव हार गए, लेकिन दुनिया अभी भी नहीं बोल रही है। दूसरी चीजें मैं आपको ये बताऊं, बायोलॉजिकल वॉरफेयर चाइना के ऊपर क्यों, जो मैं बोल रहा हूं कि ठीक है 1% आप ये मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंटेड फैक्ट नहीं है, उसके पीछे रिसर्च एजेंसीज और जो दुनिया भर के लोग हैं वो लोग वहां पे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे, जैसे क्राइम या किसी गुनाह का किया जाता है। लेकिन एक चीज और होता है, कड़ियों को जोड़ने से भी कभी किसी क्राइम या गुनाह का खुलासा हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे कड़ियां यहां पे एक से करके दूसरी दूसरे, और अभी नहीं पिछले दसियों साल से बीसियों साल से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एक दूसरे से कड़ियां जुड़ रही हैं और चाइना कैसे डेलिबरेटली विलफुली इस चीज को कर रहा था। एक पॉइंट यहां पे हो सकता है कि चाइना ने इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल के वे में, ट्रायल के वे में ये पहली बार करने के लिए कोशिश की हो और उसने ये नहीं सोचा। बड़ा जी मैं, हाँ कोई बात नहीं, मैं दूसरे पार्ट पे बात कर रहा था, लास्ट पार्ट में हम हिस्टोरिकल बात कर लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हिस्ट्री से आपको बताएंगे। दूसरा पार्ट ये था कि ठीक है मैं एक मान लेता हूं कि दुनिया में किसी ने भी एक क्रिमिनोलॉजी के हिसाब से या कानून में देखिए, जैसे वकील लोग बहस करते हैं, जहां पे ट्रेसेस नहीं मिलते हैं, जहां पे कोई प्रूफ नहीं मिलता है, सर्कमस्टेंसेस इविडेंस जिसको बोला जाता है, उस हिसाब से अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो सारे के सारे डाउट चाइना के तरफ और उसके विलफुल एक्ट की तरफ जाते हैं। पहली चीज होती है मैं मोटिव, चाइना का मोटिव क्या होगा ऐसा करने का, बिल्कुल मोटिव है चाइना का। मैं आपको बताऊं चाइना का मोटिव क्या है, चाइना ने जब ग्रो करना, रिफॉर्म करना शुरू किया तो चाइना का मोटिव ये था कि हमें ग्लोबल लीडर बनना है, हमें यूएसए को पीछे छोड़ना है, हमें जापान को पीछे छोड़ना है, कुछ हिस्टोरिक रीजन के कारण छोड़ना है, हमें यूरोप को पीछे छोड़ना है, जापान को इसलिए पीछे छोड़ना है कि वर्ल्ड वार उनके साथ हुई थी तो जापानियों ने काफी जो है इनके ऊपर अटैक वगैरह किया था, यूरोप ने भी एक अफीम का जो है वो किया था चाइनीज लोगों को पूरा अफीम का आदि बना दिया था यूरोप ने, और 100 ईयर्स तक चाइना उस अफीम के नशे से बाहर नहीं निकल पाया था उसकी यंग जनरेशन, ये कुछ ऐसी फीलिंग है। ध्यानमेन चौक पे जब इन्होंने 1000 स्टूडेंट को मारा था तो एट दैट टाइम जो चाइना के प्रेसिडेंट थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये बोला था कि 1000 पीपल की लोगों की अगर जान चली गई तो इट इज नथिंग फॉर आवर कंट्री, इस तरह का ब्लंट टाइप का उन्होंने जवाब दिया था। अब देखिए क्या है, पहली रिपोर्ट आई कि चाइना ने 2015 में इस चीज को डेवलप कर लिया था या कोशिश कर रहा था। चाइना ने वर्ल्ड को लीड करने के लिए पहले दूसरे तरीके अपनाए, दूसरे तरीके ये अपनाए कि उसने इकोनॉमिक गेन किया, इकोनॉमिक गेन करने के बाद भी उसने देखा कि दुनिया, अमेरिका, भारत, ये सब देश उसके कब्जे में नहीं आ रहे हैं, वो वर्ल्ड का दादा नहीं बन पा रहा है। उसने फिर दूसरी पॉलिसी को अडॉप्ट किया, वन बेल्ट वन रोड, OBOR, ये जो उन्होंने किया उसमें भी उन्होंने साजिश रची कि छोटे छोटे देशों को विकास के नाम पे कि सड़क बनेगी, ये बनेगी, उन्होंने उन्होंने ये चीज दिया, कर्जे दिए और कर्जे के शिकंजे में फंसा, वो भी उनका उल्टा पड़ गया। उसके बाद उन्होंने कोशिश की, सबसे ब्लंट जो कोशिश की, अभी ये क्वाड वगैरह जो बना, अमेरिका को सीधे ललकारना शुरू किया, सारे देशों को ललकारना शुरू किया, किसी की भी टेरिटरी में घुस गए और वहां जाके झाऊ झिन जुआंग सिंग सांग छू करके एक अपना झंडा गाड़ दिया कि भाई ये टेरिटरी हमारी है, और उसके पीछे वो फैक्ट क्या देते हैं कि आज के 1000 साल पहले हमारे यहाँ के ये आदमी आए थे तो झाड़ू लगा के वो पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने कुछ सिंग सांग छू वगैरह कुछ किया था तो इसलिए वो टेरिटरी हमारी है। इतना अनइथिकल अप्रोच उनका, इन्होंने सारी समुद्री सीमाओं को लाटना शुरू कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कोर्ट के जो डिसीजन इनके अगेंस्ट आए थे इन्होंने सब मानना बंद कर दिया। मैं उसके प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं कि पिछले सालों में चाइना कितना एग्रेसिव हो गया कि यानी दुनिया के किसी भी नियम को वो मानने के लिए तैयार नहीं है।
फाइनल उसका जो है उसके चेहरे से मुखौटा तब हटा जब इन्होंने गलवान में डायरेक्टली इन्होंने भेजा। ये इनका प्रैक्टिकल और डायरेक्ट जो है अप्रोच था। अब डायरेक्ट अप्रोच में इनकी पोल खुल गई, इनके सैनिकों को हमारे सैनिकों ने अपने हाथों से ही मार के खत्म कर दिया, पूरी दुनिया में ये बदनाम हो गए। और जो सॉफ्ट तरीके से इनके जो प्रिंट मीडिया वगैरह है, जो एक है ग्लोबल टाइम्स वगैरह, उसने भी परसेप्शन बनाने की बड़ी कोशिश की, दुनिया भर के सेंसेक्स को गिराने की कोशिश की, उनको खरीदने की कोशिश की। 10-15 तरीके के हथकंडे इनडायरेक्ट वे में जो हो सकते हैं दुनिया को लीड करने, कब्जा करने का, वो चीज इनकी फेल हो गई। अब ये चाइना की छटपटाहट थी कि भाई हर नुक्ता, हर इनकी चाल फेल हो गई। तो कैमोफ्लाग, छद्म वार जिसको बोलते हैं, छद्म युद्ध बोलते हैं, बायोलॉजिकल वेपन भी जो है, बायोलॉजिकल वार भी जो है, ये एक प्रॉक्सी वार है। उसमें उसके पीछे रीजन है। अब देखिए अभी भी दुनिया कंफ्यूज है कि इसकी ओरिजिन कहां से हुई, चाइना ने विलफुल किया कि नहीं किया, है कि नहीं। एक शातिर जो गुनाहगार होता है, एक शातिर खिलाड़ी होता है, वो क्या चाहता है? वो यही तो चाहता है कि गुनाह करे, वो अपना मतलब निकाले और उसको दोष भी ना दिया जा सके, दुनिया कोर्ट या कोई भी आदमी उसको दोष ना दे पाए। ये सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट है। और चाइना ने इस वायरस के मामले में कोई सपोर्ट नहीं किया, ना तो किसी को लेबोरेटरी में जाने दिया, किसी भी इंटरनेशनल टीम को, ना अपने उस वुहान तक में, लेबोरेटरी तो छोड़िए वुहान तक में नहीं जाने दिया। किसी एक डॉक्टर ने, महिला डॉक्टर थी वुहान लैब की, वो डायरेक्टर वगैरह थी, जब उसने अपना मुंह खोला तो वो गायब हो गई। एक दो लोग और थे जिन्होंने मुंह खोला तो गायब हो गई। जिसने वुहान के बारे में ये बोलना शुरू किया, चाइना ने बहुत कड़ा प्रतिरोध किया। ये सारे ऐसे जो है सिम्टम्स है, ये क्लूज है जो बताते हैं कि अच्छा इधर दुनिया मर रही है, चाइना व्यापार कर रहा था, अपना प्रॉफिट बना रहा था, उल्टी सीधी दवाइयां बेच रहा था, गलत क्लेम करके पीपीई किट वगैरह जिनकी कैपेसिटी या जिनकी परफॉर्मेंस उन प्रोडक्ट की बहुत पुअर है, उसको भी वो बेच के पैसे बना रहा था। ये तो एक पार्ट हो गया जो मैंने आपको बताया कि ऐसे इंडिकेशंस जो ये बताते हैं कि चाइना अपराधी है। हाँ ठीक है, हमें कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं मिल रहा है, किसी की फोन रिकॉर्डिंग अभी नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन एक शातिर अपराधी की तरह मुझे लगता है कि यहाँ पे चाइना ने काम किया है। और रिसर्च एजेंसीज वगैरह को इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। जहां क्लूज नहीं मिलते हैं वहां पे सिम्टम बेस्ड जो है और मोटिव देखा जाता है, पीछे के सालों के मोटिव को देख के कि कैसे ग्लोबल एक्सपेंशन के मद में पागल होके इसने जो है, चाइना ने एक एक काम करते चले गए, हर जगह ये फेल होते गए, तो झल्लाहट में आके या एक सुपरमेसी को साबित करने के लिए। चाइना इज वेरी ब्रूटल, मैं आपको बता दूं, वहां पे यूनिटी की और इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, वहां केवल उनका एक्सपेंशन का टारगेट ही सर्वोपरि है। दे डोंट बॉदर फॉर ह्यूमन लाइफ और ये इन सब चीजों के लिए, इसीलिए उन्होंने इतने सारे वहां पे सैंक्शंस वगैरह अपने पब्लिक पे भी लगा के रखे हुए हैं। मुसलमानों के ऊपर उन्होंने ऐसे ऐसे सैंक्शंस लगाए हैं जो किसी भी बेसिस पे देखा जाए तो वो ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पे कोई भी उसको जो है यस नहीं करेगा। जी मिश्रा जी, आप कंटिन्यू कीजिए, उनका फिर इंटरेस्ट शुक्र है उनसे बात। देखिए मैं थोड़ा सा अलग विचार है मेरे, और मैं फैक्ट और लॉजिक के बल पे मैं रख रहा हूँ। देखिए चाइना के ऊपर मैं भरोसा नहीं करता हूँ साहब, किसी की कोई मजबूरी होगी, वो किसी एजेंसी से जुड़े हैं, क्यों नहीं एनालिसिस कर पा रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ, द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना, इन्होंने इंटरनेट के लिए एक ऐसी सिस्टम बनाया है कि एक इंफॉर्मेशन जो चाइना नहीं चाहती है वो उनके देश से बाहर नहीं निकल सकती है, सोशल मीडिया और इन सब चीजों पे। जो आदमी, जो देश इतना प्रोटेक्टेड हो कि आप हैक ना कर पाए, कोई इंफॉर्मेशन बिना उनके नॉलेज के बाहर नहीं निकल सकती है, और इतना सेंसिटिव वायरस वुहान लैब से बाहर निकल गया। यादव जी जो बोल रहे थे, मैं वायरोलॉजी का कॉन्सेप्ट करता हूं कि ये पूरी दुनिया में कैसे फैल गया। बहुत सिंपल रीजन है, एक स्टोरी चली थी, क्या फैक्ट है क्या नहीं मुझे उस लेडी का नाम नहीं याद आ रहा है, एक चाइनीज लेडी थी, उसी फर्स्ट वेव में ही ये चली थी, मैंने पढ़ी थी। वो गई, पता नहीं शायद अमेरिका गई या कौन से देश में गई, शी वॉज इन्फेक्टेड, शी वॉज नोइंग दैट शी इज कैरिंग द इन्फेक्शन। उसके बाद वो काफी दिनों तक वहां घूमी, कई होटल में रही, कई पब्लिक प्लेसेस पे गई, और उसके बाद वो लौट आई सेफली चाइना। चाइना जब लौट आई तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये एक केस है जो कि न्यूज में आ गई थी, ऐसे हजारों केस होंगे। अब थोड़ा इनका स्प्रेड कैसे होता है कम्युनिकेबल डिजीजेस का, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक आजकल तो बहुत आसान है, पूरी ग्लोबल सप्लाई चाइना से हो रही है, चाइना स्पोर्ट्स के फॉर्म में भी वो कहीं पे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब ये शुरू होने वाला था तब आप देखिए, शुरू होने के कुछ दिन पहले चाइनीज लोग कंटेंड हो गए,
उन्होंने ट्रेवल वगैरह बंद कर दिया, जबकि पूरी दुनिया से चाइना आने वाले लोगों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन चाइना ने नहीं अलाउ किया था। हाँ, तो ऐसे लोग, एक लोग भाई इंडिया में भी शुरू के 3 महीने में केवल 25 मरीज पकड़े गए थे। फर्स्ट जब हमने डिबेट की थी तो फरवरी मार्च तक, अप्रैल तक केवल 25 जो है ऐसे लोग पकड़े गए थे, आइडेंटिफाइड किए गए थे जिनको कि ये कोरोना हो गया था। हम तब भी सोच रहे हैं, अब वो 25 लोगों ने मिलके 120 करोड़ यानी पूरे देश में फैला दिया। एक आदमी भी अगर इन्फेक्टेड हो जाता है किसी एक देश में, सेशल्स वगैरह, क्या सेशल्स वाले कहीं ना कहीं चाइनीज से या इन्फेक्टेड आदमियों से इंटरेक्ट किए होंगे? हो सकता है सेशल्स वाले चाइना नहीं गए लेकिन किसी ऐसे देश में, किसी ऐसे ब्रिटेन वगैरह गए होंगे, वहां कोई इन्फेक्टेड रहा हो, एक आया, एक के बाद दूसरे फैल गए। तो ये तो सब न्यूक्लियर चैन जैसे होती है एटम बम में, कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इसी तरीके से वायरस, वायरस और न्यूक्लियर चैन, न्यूक्लियर बम सेम काम करते हैं मैम, इसको मान लिया जाए। तो ये कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है कि ये भगवान ने दिया है, ये मैन मेड है। और इशारे ज्यादातर इस तरफ मैं मानता हूं लॉजिक के बेस पे कि चाइना ने ये जानबूझ के किया है। एक इंफॉर्मेशन चाइना से आप निकाल लीजिए तो मैं आपको बोलूं, और इतना बड़ा वायरस चाइना के लैब से निकल के पूरी दुनिया में फैल गया। दूसरी, हमने आपको बोला सिम्टम और इविडेंस बेस पे करते हैं, जब कोई क्लू नहीं है, पता नहीं कब क्लू आएगा, प्रूफ आएगा, एजेंसीज वगैरह लगी हुई है। सिम्टम क्या है? चाइना ने एक साथ कई मुहाज खोल दिए, ऑस्ट्रेलिया से भी लड़ रहा है, भारत से भी लड़ रहा है, समुद्र में भी लड़ रहा है, हवा में भी लड़ रहा है। यादव जी एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए, आई हैव ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर सीनियरिटी, नॉलेज एंड विजडम, प्लीज लेट मी कंटिन्यू, अदरवाइज टूट जाता। सो नाइस ऑफ यू, अच्छा सो नाइस ऑफ यू। तो उसमें फिर क्या हुआ कि 10 मोर्चों पे इसने वो खोल दिया। अच्छा, अब गलवान हुआ, 10 मोर्चों पे हुआ, फिर इसको ये लगा कि ग्लोबल कम्युनिटी को हम जीत नहीं पाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि चाइना इतना विग्ड है कि अपने टारगेट को पाने के लिए वो अपने ही लोगों को जो है मतलब कुछ भी कर सकता है। तब इसने ये सोचा कि प्री वॉर, वॉर के पहले, अभी तक चाइना जो दहाड़े मार रहा था कि हम अमेरिका को ये कर देंगे वो कर देंगे, एक स्ट्रेटजी होती है कि वॉर के पहले दुश्मन को आप कमजोर कर दो। इकोनॉमिक वॉर में ये फेल हो गए, टेरिटोरियल का उसमें जो है कब जाने के वार में ये फेल हो गए, फाइनेंस के मूड से जो वार होता है, डिप्लोमेसी का जो वार होता है, ये फेल हो गए। तो इन्होंने बोला अब ये चीज करिए। इन्होंने इतनी खूबसूरती से इसको लीक किया, यही तो खूबी होती है कि लोग ऐसे ही भंवर में घूमते रहे। जैसे हम और यादव जी बोल रहे हैं ना कि ये भगवान का किया हुआ है, मुझे ठीक है, हो सकता है कि इट मे बी द गॉड एक्ट, हाँ, लेकिन इसके ज्यादातर चांसेस ये है कि चाइना ने प्लान्ड वे में इसको लीक किया। लीक कर, एक सवाल ये है जिसके बारे में दुनिया जानती ही नहीं है, जिसका एंटीडोट नहीं है, जिसके लिए कैसे फैलता है, कोई बायोलॉजिकल स्टडीज नहीं अवेलेबल है, और उसको चाइना ने कंट्रोल कर लिया। चाइना में 150 जो है 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, इतनी डेंसिटी है, इंडिया से ज्यादा है, वहां पे नहीं फैला। कुछ एक रीजन हो सकते हैं, लेकिन अनपढ़ गवार लापरवाह लोग चाइना में भी हैं, वही वायरस हर चीज वहां पे नहीं फैला क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट वे में कंटेन कर लिया। इसका मतलब है कि उनको पूरी प्रॉपर्टी वगैरह इसकी लिथलिटी के बारे में पता था, तभी तब से लेके आज तक चाइना देखिए एकदम वॉर मूड पे है कि ये फैलने ना पाए, सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा के रखे हुए हैं, उसको पता है कि इंड तक क्या होना है, कैसे होना है, सारी दुनिया में ये फैल गया। एक वॉर में स्ट्रेटजी होती है जो आपका टाइटल है कि नेक्स्ट इरा का जो वार है, देखिए न्यूक्लियर वॉर करना और सीधे सीधे किसी का, इवन छोटे मोटे देशों से भी, सेशल्स के ऊपर भी अमेरिका हमला नहीं कर सकता है, मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट जो है हमला नहीं कर सकता है, वो आउटडेटेड हो गई सारी वॉर स्ट्रेटजी जहां पे आमने सामने कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब है क्या, वार ऐसे भी किया जाए कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, हमारा बिजनेस भी हो जाए, इकोनॉमी भी टूट जाए किसी देश की या दुनिया की। चाइना तो कॉम्पीट कर रहा है डॉलर से, चाइना इज नॉट कॉम्पीटिंग विद इंडिया और यूएसए और ये यूरोपियन कंट्री, चाइना तो ये सोच रहा है कि उसकी जो अल्टीमेट मुद्रा है, करेंसी है युआन, वो डॉलर को रिप्लेस कर दे। हर जगह ये फेल हो गए, तो अब चाइना को केवल ये एक सबसे सस्ता सरल रास्ता नजर में आया कि पूरी दुनिया को इस बवाल में डाल दो, हम अपना बिजनेस भी करेंगे, वो उसमें भी फेल हो गया। और प्री वॉर स्ट्रेटजी यानी दुनिया के जितने महारथी हैं आप उनको इतना कमजोर कर दीजिए कि वो घुटने टेक दें, ये चीजें भी उसकी जो है सक्सेस होती हुई नजर नहीं आ रही है। कोरोना वायरस के ऊपर आप बात, अगर आप बात करना चाहें तो गोल्डन साइलेंट अगर किसी कंट्री का है तो चाइना का है,
मदद के नाम पे भी वो नहीं बोल रहा है किसी को, न उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, न कोई यूनेस्को को वो कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, कोई सवाल जवाब नहीं है चाइना का। तो ये सारी चीजें जो है इशारा करती है कि चाइना ने इसको डेलिबरेटली जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेटजिक वे में इसको किया है और इंप्लीमेंटेशन इसका टैक्टिकल किया। जो वर्मा जी बोल रहे थे ना कि ये पूरे मतलब देश में कैसे फैल गया, उन्होंने इसका इंप्लीमेंटेशन तो टैक्टिकल किया था कि कुछ सिलेक्टेड लोगों में ये जाए। जैसे अमेरिका में देखिए सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हुआ अमेरिका में हुआ, सेकेंड फेज में इंडिया में हो रहा है, तो अमेरिका और इंडिया को तो मैं हिट लिस्ट पे रख सकता हूँ। टैक्टिकल का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में ही उसका प्रभाव लिमिटेड रहे, लेकिन अब चूंकि ये हाथ से निकल गया, चैन रिएक्शन शुरू हो गया, तो वो टैक्टिकल ना हो करके पूरी दुनिया में, एक जियोग्राफी में लिमिटेड ना हो के पूरी दुनिया में फैल गई, क्योंकि पूरी दुनिया में एक दूसरे से मिलना, ये सब चीजें कम्युनिकेशन आना जाना लगा रहता है, तो फैलने में कितना दिन लगेगा। तो ये रीजन है जिसके कारण मैं बोलता हूं आपको इविडेंस नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सिम्टम देखिए आप, कुछ एक्ट देखिए जो पीछे की कड़ियों को जोड़िए, तो एकदम क्लियर कट नजर आएगा कि चाइना का कहीं ना कहीं इसमें विलफुल इन्वॉल्वमेंट है और इस एंगल से इसको जांच करनी चाहिए। जी यादव जी, मिश्रा जी काफी अच्छे वक्ता हैं। सर धन्यवाद, आशीर्वाद है आप लोगों का। जी यादव जी, उन्होंने का टैग नहीं लगाया ना, लिमिटेशंस नहीं है उनकी। जी यादव जी, मिश्रा जी काफी अच्छे वक्ता हैं। सर धन्यवाद, आशीर्वाद है आप लोगों का। जी यादव जी, उन्होंने का टैग नहीं लगाया ना, लिमिटेशंस नहीं है उनकी। जी मैं, ये अगला सवाल नहीं है लेकिन मैं अपने व्यूवर से जरूर शेयर करना चाहूंगी। कैप्टन एस बी त्यागी ने लिखा है, इन दिसंबर 20 इन वन सेमिनार जनरल वी के सिंह स्टेटेड दैट इंडिया इज प्रेजेंटली फाइटिंग एनबीसी वॉरफेयर। इट इज वेरी क्लियर दैट इट इंडीड ए बायोलॉजिकल वॉरफेयर विच वी नीड टू फेस एंड कम आउट विक्टोरियसली। तो वो अपने तरफ से एक तरह से बता रहे हैं कि हाँ किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हुआ। तो मिश्रा जी मैं आपकी तरफ आऊंगी, जिस तरह से यादव जी ने बताया कि हाँ इस पे हमें सोचना जरूर चाहिए कि हमारे यहाँ पे इतना मास लेवल पे ये एकदम से स्प्रेड हो गया और हमारे पड़ोसी मुल्कों में नहीं हुआ, लेकिन मैं अगर भारत के अंदर की ही बात करूं तो आप देखिए जितनी ये बड़ी स्टेट्स हैं हमारी, चाहे हम दिल्ली कह लें, अपना जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं हमारी भारतीय इकोनॉमी में, मुंबई हो गया या आप यूपी या और कोई भी ये लगा लीजिए, हमारी जो दूसरी स्टेट्स है, अब ये तो है नहीं 5-6 स्टेट्स का तो देश है ही नहीं, लेकिन हमें कोरोना की खबरें जो आ रही हैं हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, ये इन्हीं बड़ी बड़ी सिटीज से आ रही है, लेकिन हमारा कहीं पे छत्तीसगढ़ है, कहीं और इतने सारे साउथ के हमारे देश है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, बाकी कहीं से भी कोरोना किस तरह से रिपोर्ट नहीं हो रही, इसकी क्या वजह है मिश्रा जी? ये कोई स्ट्रेटेजिकली चल रहा है सब? मैम नहीं, मैम देखिए है क्या, जब आप ऐसे चीजों की एनालिसिस करें जो डिफेंस से रिलेटेड हो, स्ट्रेटेजिक हो, टैक्टिकल हो, तो वहां पे हमें बहुत वाइड ओपिनियन रखना चाहिए, हर चीज को शक की नजर से देखना चाहिए, जो चीज नंगी आंखों से सबको दिख रहा है वो चीज नहीं देखना चाहिए, पर्दे के पीछे क्या है जो सब लोग नहीं देख पाते हैं उस चीज पे फोकस करना चाहिए। इस कंडीशन में भी अगर शुतुरमुर्ग की तरह हम रेत में अपना सर छुपा लें तो ये एक गलत एनालिसिस होगी। मैं अभी बोलता हूं, एक आपके व्यूअर है जो जनरल साहब, जिन्होंने एनबीसी टर्म का यूज किया था, हाँ कैप्टन, और हमारे भूतपूर्व जो रक्षा मंत्री थे वीके सिंह, और सॉरी डिफेंस के हेड थे वीके सिंह जी, जो आज एमपी हैं गाजियाबाद से, डेफिनेटली आई डू एग्री, और मैं यही चीज तो बोलना चाहता हूँ, मॉडर्न वॉरफेयर की यही तो खूबी होती है मैम। कौन आदमी, कौन देश ये बोलना चाहेगा कि भाई हमने आपके ऊपर अटैक किया इस कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सिचुएशन में, विनिंग ए कंट्री विदाउट फायरिंग ए बुलेट, ये किसी भी वॉर का जो है वॉरफेयर का फर्स्ट रूल होता है। सारे देश या सारे दुश्मन ये चाहते हैं कि बिना बुलेट फायर किए हुए हम किसी देश को जीत लें, इससे बेहतर क्या चीज होगी। चाइना ने यही किया, क्यों इतने आसानी से हम चाइना को लीवरेज दे रहे हैं? मैं ये बोलता हूं सीपीईसी सब देख रहे हैं, सीपीईसी का क्या खतरा है जो अभी यादव जी ने जो है एक्सप्लेन किया, वो तो नंगी आंखों से दिख रहा है। भाई चाइना यही तो चाहता है आपको अपने इंटरनल मैटर में, 1% की पॉपुलेशन आपकी अभी इन्फेक्टेड नहीं हुई है, जरा डाटा देख लीजिएगा कितना है, आई एम नॉट कंफर्म, लेकिन बहुत ओवरऑल 120 करोड़ की पॉपुलेशन में बहुत कम जनसंख्या अभी इन्फेक्ट हुई है। सेम कंडीशन अमेरिका में था, आपके पूरे पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल सिस्टम, आपका पूरा ब्यूरोक्रेसी, उसके बाद आपके पूरे मेडिकल सिस्टम घुटनों पर आ गया है। आप इन 3 महीनों में किसी ने सीपीईसी की चर्चा ही नहीं की इंडिया में। What else? Your enemy, what else he want? He just want that you should not be focused on direct visible task, ताकि वो अपना पूरा करता रहे।
वो चाहता है कि आप अपने अंदर के जो है मसलों में इतने उलझ जाएं, आपकी सारी एजेंसीज, आपकी सारी फैसिलिटीज एक ऐसे अनवांटेड चीज पे मतलब उस पे इन्वॉल्व हो जाए, आप उसमें मशरूफ हो जाइए कि ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए। तो यही तो मॉडर्न वॉरफेयर है जो मैं बोल रहा हूं, और इसकी एनालिसिस हमेशा वो करनी चाहिए हमें। हमने पहले ही बोला कि सीपीईसी वगैरह ये सब उसके चाइना के स्ट्रेटेजिक टास्क थे जो कि फेल होते चले गए। अब चाइना क्या कर रहा है, बायोलॉजिकल वॉर। मैं देखिए 1% जो है हो सकता है कि ये गॉड गिफ्टेड हो, गॉड ने क्रिएट किया हो, जो भी हो जैसे भी हो, लेकिन चाइना को मैं बरी नहीं कर सकता हूं, चाहे कोई करे या ना करे। मैं इतने आसानी जब तक मेरे क्वेश्चंस के करूंगा, अल्टीमेटली ये 120 करोड़ भारतीयों और अपने अपने देश के राष्ट्र की सुरक्षा से लिए से रिलेटेड ये मैटर है। मैं किसी भी तरह की लिवरेज नहीं दूंगा। देखिए अगर चाइना ये चीज कर देता है, सवाल ये है कि इंडिया में क्यों फैला। भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में भी सिविक सेंस वही है जो हमारे यहाँ है। हर चीज पे, पैरामीटर पे, सोशल लाइफ में हम बराबर के वो है, मैनर्ड या जो भी बोलिए, या उनसे बेटर ही है। लेकिन हमारे यहाँ क्यों ज्यादा फैल गया? पाकिस्तान ने तो पिछले साल लॉकडाउन भी नहीं लगाया था। एक्सपेक्टेड ये था कि उनके यहाँ ज्यादा लीथल होना चाहिए, उनके यहाँ नहीं फैला। 100% बॉर्डर या चाइना से रिलेशन तो खत्म हुए नहीं है। मेटेरियल आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सारी चीजें तो चली रही है वहां पे, लेकिन ये चीजें नहीं हो रही है। तो एकदम ब्लाइंडली आंख मूंद के हम ये नहीं बोल सकते हैं कि चाइना। भाई रशिया का पतन जो हुआ था कैसे हुआ था, क्या 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 वहां पे कोई न्यूक्लियर वॉरफेयर हुई थी? कुछ नहीं हुआ था, एक सिंगल फायर नहीं हुआ था, मिलिट्री का कोई रोल ही नहीं था वहां पे। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रॉक्सी वॉर होते हैं, देश लड़ते हैं, और उसमें जो लेटेस्ट टूल जो अभी यूज हो रहा है वो चाइना ने दुस्साहस किया है, वो है बायोलॉजिकल वेपन, जो कि कोविड या सार्स के रूप में हुआ है। दो तीन क्वेश्चन मैं आपको और बोल देता हूं जो मुझे बहुत इंटरेस्टेड लगे। अफगानिस्तान का इशू, ठीक है, इंडिया का स्टेक है, पाकिस्तान का स्टेक है, रशिया भी वॉच कर रहा है और यूरोपियन कंट्रीज वगैरह भी वॉच कर रही है। मैं मान लेता हूं कि अमेरिका निकल जाता है। आप हिस्ट्री देखिए, इतना आसान नहीं है कि अफगानिस्तान में पीस आ जाएगा, वो इंडिया के लिए इतने जल्दी खतरा नहीं बनेगा। पाकिस्तान, कई फोर्सेस वहां काम करेंगे, पाकिस्तान उसको पुश करेगा, इंटरनल जितने भी वहां पे गुट हैं, तालिबान, एंटी तालिबान, 500 और हैं, सेक्टोरल वार वहां पे शुरू हो जाएगी, वो आपस में उलझ जाएंगे, और जाते जाते अमेरिका डेफिनेटली ऐसा करेगा जैसे उन्होंने बगदाद में किया। आज बगदाद में क्या है, सॉरी बगदाद तो कैपिटल है, इराक में किया। इराक में क्या है, इराक 3 पार्ट में पड़ गया। विलिंगली, अनविलिंगली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कुछ ना कुछ अमेरिका वहां पे ऐसा करेगा कि कभी भी वो स्टेबिलिटी ना आए। स्टेबिलिटी आ जाने पे, और वो अगर अमेरिका के हिसाब से स्टेबिलिटी वहां पे नहीं आती है, तो अमेरिका इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में कैसे भी है वहां इंटरफियर करता रहेगा। अमेरिका के बेसिस और ये सारे बहुत सारे जगह है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बोलना चाहूंगा मैम, अभी तक ये लिटरेचर में था, डिस्कशन में था, यहां हमें सोचना ये है कि जो एक नया डायमेंशन ओपन हुआ है, बहुत सारे वॉर में अपने स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए बहुत सारे डायमेंशन दुनिया में ओपन हुए हैं, और चाइना उसमें सबसे आगे है, कुछ ना कुछ परीक्षण कर रहा है। आप ये देखिए, सेटेलाइट के थ्रू आपके सेटेलाइट को जो है नष्ट कर दिया जाए, ये चाइना ने अभी एक प्रक्षेपास्त्र का किया था, भारत के पास भी ये कैपेबिलिटी है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इमर्ज हो रहा है आपका, साइबर वारफेयर में चाइना के कुकृत्य को आप जानते ही हैं, पूरे दुनिया भर में उसने हैक किया है, न जाने कितने जगह की वेबसाइट को और सिस्टम को ठप करने। इवन बात ये भी हो रही है कि शायद पाकिस्तान में या इंडिया में, कहां एक बार बहुत बड़ा जबरदस्त ब्लैक आउट हुआ था, विद्युत सप्लाई जो है डिस्टर्ब हो गई थी, तो उसमें भी चाइना का आया था। कोई भरोसे करने की बात नहीं है। चाइना जिस हिसाब से अपने प्लान को बना रहा है, वो चाहता है कि 2-3 देश ऐसे हैं जो पहले घुटनों पे आए, उनकी सारी व्यवस्था, सारा सिस्टम टूट जाए। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है, ऐसे चीजें, ऐसे लॉजिक है जिसके ऊपर हमारे डिफेंस एक्सपर्ट को बात करना चाहिए और सीरियस लेना चाहिए। कोविड का ये इन्फेक्शन ये भी बताता है कि हाउ मच इंडिया इज रेडी फॉर सम सच काइंड ऑफ द वॉरफेयर, केमिकल और यू कैन से द बायोलॉजिकल वॉरफेयर। एक लर्निंग भी हम लोगों को देता है कि अगर वार हो, मान लीजिए फिजिकल वार हो गई कभी भी, तो वहां पे ये चीजें भी यूज होंगी। फिर उस वक्त कोई किसी को नहीं मानता है, तो जनता को, जनता के पास, पब्लिक के पास सिविक सेंस क्या होने चाहिए, मैनर क्या होने चाहिए, मास्क के, जनता जितनी ज्यादा एजुकेटेड होगी उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से जो है हम अपने दुश्मन के हथियारों को, हथकंडों को हम फेल कर सकते हैं। यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन करने की ये जरूरत है। अब अभी भी हम, हमें डिनायल मूड में नहीं रहना चाहिए, हमें ये मान के चलना चाहिए कि एनबीसी का फैक्टर अब काम करने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कोई भी ये जो मॉडर्न वॉरफेयर हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया, साइबर वॉरफेयर हो गया, ये सब जो चीजें हो गई हैं,
हम इग्नोरेंस के मूड में हम अपने आप को ना रखें, ना डिफेंस के एक्सपर्ट रखें, ना टीवी के पैनलिस्ट रखें, ना हमारे राजनेता मंत्री मिनिस्टर रखें, और साथ में ना पब्लिक. वी हैव टू गियर अप फॉर ऑल दीज अनसीन चैलेंजेस, फ्यूचर चैलेंजेस, जो मेरा ये मानना है. हमें दूसरे देशों से, बांग्लादेश में हुआ कि नहीं हुआ, वहां हुआ कि नहीं हुआ, इन सब चीजों को छोड़ दीजिए. वहां हुआ नहीं हुआ उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं. मे बी पर्टिकुलर एक वेरिएंट किसी के ऊपर जो है काम करे, किसी के ऊपर ना काम करे. बहुत सारे सोशियोलॉजिकल और फैक्टर्स होते हैं किसी वायरस को स्प्रेड करने में. हो सकता है चाइना विलफुली कुछ ना कुछ अपने देश के ऊपर ऐसा कर रहा हो. भाई चाइनीज कुछ ना कुछ तो अभी भी आ और जा रहे हैं ना, जिसके कारण ये स्प्रेड ज्यादा हो रहा हो. वायरोलॉजी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैक्टीरिया या वायरस के स्पोर्ट्स वगैरह इनएक्टिव वे में बहुत सारे तरीकों से ट्रांसमिट किए जा सकते हैं. अमेरिका की निगाह डाउट चाइना के ऊपर है, पूरे यूरोपियन कंट्री की जो है डाउट और निगाह चाइना के ऊपर है, देश के हर हर एजेंसी की निगाह चाइना के ऊपर है इस एक्टिव. जहां रिस्क फैक्टर, डाउट फैक्टर इतना ज्यादा हो, वहां हमें इन चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए. बेहतर ये है कि हमें नियर टू ये मान लेना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज है और उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए. ये कहिए कि चाइना ने एक चूक कर दी. चूक ये कर दी, मुझे ये लगता है उसने ट्रायल बेसिस पे ये किया होगा, लिमिटेड बेसिस पे ये किया होगा, लेकिन ये चीज उसके हाथ से भी निकल गई, लेकिन उसकी विल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी. अब चाइना भी फंस गया है. देखिए इसका नुकसान हम लोग तो उभर जाएंगे. अब आज की डेट में भाई चाइना की वैक्सीन को नहीं ले रहा है. मैं किसी को 1 करोड़ रुपए दूं आज की डेट में और बोलूं भाई चाइना जाके ये बिजनेस डील करके चले आओ, कोई जाने को तैयार नहीं है चाइना. चाइना की कनेक्टिविटी, ये तो देखिए दोनों तरफ होता है, नुकसान फायदा दोनों तरफ होता है. हो सकता है चाइना इस चीज पे क्रैश कर जाए. आप लाखों फैक्ट्रियां लगा के रखे रहिए, दुनिया जब नहीं लेगी या धीरे धीरे स्लो डाउन होगा, ग्लोबल जो है इंडेक्स में भी बहुत सारी कमियां आई है. बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स देखिए, सारी कंपनियां सोच रही हैं कि भाई चाइना से आप हटाइए अपने वहां पे, क्योंकि वार के कंडीशन में या ऐसे कंडीशन में चाइना फेथफुल नहीं है. चाइना ने यह भी किया था, कनाडा के कुछ डिप्लोमेट वगैरह थे उनको गिरफ्तार कर लिया था. तो चाइना की विश्वसनीयता पूरी दुनिया में घटती जा रही है, इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा. वी हैव टू पुट आवर सेल्फ ऑन टॉप अलर्ट मोड. कुछ भी चीज हो सकता है जो विजिबल है, सीपीईसी वगैरह और ये जो मोतियों की माला वगैरह, ये स्टिंग और पल्स वगैरह जो चाइना चल रहा है विजिबल है, उसमें तो सक्षम है हम लोग भी, लेकिन जो इनविजिबल चीजें हो रही हैं उसके तरफ हमें अलर्ट रहना बहुत जरूरी है. शुतुरमुर्ग की तरह मैं समझता हूँ एटलीस्ट इस सिचुएशन में हमें मुंह को जो है रेत में नहीं गाड़ना चाहिए. स्पेशली डिफेंस एक्सपर्ट से मेरा ये है कि वो खुल के अपने ओपिनियन दे, प्रोज एंड कॉन्स क्या है. मिश्रा जी आपने जो कहा कि चाइना ने कुछ कनाडा डिप्लोमेट्स को भी एक तरह से बंद कर लिया था, उसका रीजन ये है कि पिछले कई सालों से हवावे की जो चेयरमैन है कनाडा में, कनाडा सरकार ने उन्हें नजरबंद किया हुआ है. उसके कॉन्सिक्वेंसेज में चाइना ने ये एक तरह से किया था, वो एक तरह से इंटरनेशनल मैसेज दे रहे थे. यादव जी मैं आपकी तरफ ये बदले की भावना हो गई मैम चाइना की, यही तो सबसे बड़ी खराबी है. आप किसी चीज को करने के लिए ये चीज करेंगे क्या? इंटरनेशनली इट इज नॉट एक्सेप्टेड. वो तो मिश्रा जी अभी भी दुनिया भर में उन्होंने एक शगुफा छोड़ा हुआ. आपने इतनी सारी WHO की फीडबैक आती है कोविड पे, इतना सारा उनका कभी कुछ आता है. अभी रिसेंटली सीना फार्मा कंपनी की तरफ से जो इंजेक्शन को इमरजेंसी यूज के लिए WHO ने डिक्लेयर किया है, और उसपे कहा है कि जो गरीब देश है, जाहिर सी बात है जो गरीब देश है उनके ऊपर वो इमरजेंसी में लगाया जा सकता है. लेकिन WHO ने सीनोफार्मा चाइना की ही कंपनी है, और सीनोफार्मा ने ये बिल्कुल भी अपने प्रॉपर्टीज नहीं बताई हैं कि इस इंजेक्शन के लगने का कोई साइड इफेक्ट हो सकता है या पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है या मरीज के ऊपर कितना परसेंट इसका इम्पैक्ट होगा. उसके बावजूद अगर WHO उसकी मंजूरी दे रहा है तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है. दूसरी चीज आपने यस वैलिड पॉइंट, मैं एक्सप्लेन कर दूं, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं. चाइना ने पैसे के दम पे यूनेस्को और WHO के जो पहले हेड थे हमेशा ये एलिगेशंस लगे रहे हैं. हर जगह UNO WHO वगैरह मैं सब जगह बात कर रहा हूँ, पैसों के दम पे ऐसी घुसपैठ उन्होंने की हुई है वहां पे, और यही सब चीजें तो लग रहे थे कि UNO वगैरह के कौन हेड थे जो पहले WHO के हेड थे, उन्होंने चाइना को जबरदस्ती इतना लिवरेज दिया, उस पर बहुत क्वेश्चन उठे थे, तभी शायद अमेरिका वगैरह कई चीजों से निकल गया, अपने आप वहां से निकल गया. यही तो एक क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ. तुम अपने दवा की चीज भी प्रॉपर्टी भी नहीं बता रहे हो, साइड इफेक्ट क्या है कैसे है कोई भी चीज बताने को तैयार नहीं हो, कहां मानवता है. ये पॉइंट ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं चाइना की तरफ. इंडिया ने तो नहीं किया ना कोविशील्ड को वैक्सीन की तरफ, तो ऐसी कोई चीज हाइड नहीं की है ना इंडिया ने, बहुत सारे देशों ने हाइड नहीं की है. चाइना हर चीज को,
अब पता नहीं वो साइना वैक्सीन में पानी डिस्टिल्ड वाटर भर के भेज रहा है कि वाकई में वो वैक्सीन है, जब कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, कोई ट्रायल ही नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ चाइना के ऊपर कैसे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा मिश्रा जी, और यही अपने आप में WHO पे बड़ा सवाल यहीं पे खड़ा होता है कि बिना किसी इस चीज को जाने वो इंटरनेशनल उसको यूज करने का परमिशन कैसे दे सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपने अक्सर पढ़ा होगा कि ग्लोबल टाइम्स जो है वो सीधा सीधा धमकी देता है, अगर ट्रंप ने वुहान वायरस या चाइना वायरस इसको नहीं कहा होता तो दुनिया के किसी भी स्टेट हेड ने अभी तक इस चीज पे पॉइंट आउट नहीं किया है। और ग्लोबल टाइम्स अपने आर्टिकल्स के थ्रू ये कहता रहता है कि जो भी इस तरह का कुछ बोलेगा उसे अपना परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो ये तो सीना चोरी वाली बात तो हो ही रही है। मिश्रा जी आपकी तरफ मैं आती हूँ, और ये क्योंकि हमारा टाइम कंप्लीट हो गया, हमारे लास्ट के एक दो सवाल ही हैं आप पे आती हूँ। आपने देखा होगा इमरान खान सऊदी अरब गए हुए थे और कोविड के नाम पर भी वो वहां से खैरात ले आए हैं, इसको आप क्या कहेंगे? मैम देखिए बात बड़ी सिंपल है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है ना कि उसको बस बहाना चाहिए। कुछ इस तरीके से देखते हैं जैसे सड़क पे बैगर्स रहते हैं ना, जो आर्टिफिशियली अपने हाथ पांव को मोड़ लेते हैं कि कैसे भी करके हमें खैरात मिले, कैसे भी करके हमें रुपए पैसे मिले। उनकी इंटरनल प्रोडक्शन, वो एक सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं है, कर्ज के दलदल में वो है। वो सऊदी अरेबिया नहीं, अगर जरा सा अभी इंडिया भी पॉजिटिव हिंट उनको दे दे तो ये यहां पे भी कटोरा लेके कटोरा डिप्लोमेसी शुरू कर देंगे। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसको एलोन मैं बोलता हूं, दैट इज ओनली द कटोरा डिप्लोमेसी इन एंटायर वर्ल्ड। कटोरा डिप्लोमेसी जो है वो किसी के सामने भी, छोटे छोटे देशों के सामने भी, वो उनकी सारी डिप्लोमेसी कटोरा डिप्लोमेसी ही चलती है। चाहे वो हथियार ले तो कटोरा डिप्लोमेसी के थ्रू चलेगा, चाहे वो पैसे ले, उनके पास तो पैसे है ही नहीं। जितनी पाकिस्तान की इकोनॉमी है उतनी तो अपनी नीता अंबानी में अपने पर्स में लेके चलती होंगी मैम, तो उसके ऊपर क्या बोला जाए। अब आप समझ लीजिए दैट इज ओनली द एग्जाम्पल ऑफ कटोरा डिप्लोमेसी। वो कहीं पे भी जाएंगे कटोरा डिप्लोमेसी करेंगे, देयर इज नो अदर। उनके पास अकल भी नहीं है कि डिप्लोमेसी क्या होती है, तो कैसे समझे दुनिया में कैसे रिलेशन बनाए जाते हैं। ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर, दैट इज द कटोरा डिप्लोमेसी। तो दे आर डूइंग दैट वेल, दे आर द एक्सपर्ट ऑफ दैट कटोरा डिप्लोमेसी। उस क्लियर कट वाली जो छोटी मोटी उस पे भी अरबों रुपए इन्वेस्ट करके भी गंगा अभी तक क्लीन तो हुई नहीं है यादव जी। जी मिश्रा जी आपकी तरफ आती हूँ। जी मैम देखिए मैं यादव जी की एक बात से सहमत हूँ कि चाइना वाकई में एक डरपोक कंट्री है। मेरी ही बात को, मेरे ही तर्क को यादव जी ने जो है बहुत बल दिया है, वो ऐसे दिया है जब आपका दुश्मन डरपोक हो, चाइना है तो आपका राइवल कंट्री ना, मित्र तो नहीं है ना ये तो हर, जब आपका राइवल आपका दुश्मन देश डरपोक हो ना तो वो कभी भी सामने से और डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन में वो बिलीव नहीं करता है, गलवान में उसने देख लिया तो वो ये कोविड वगैरह की जो है जालसाजियां करता है। मिश्रा जी आपकी तरफ आती हूँ, आपका भी क्लोजिंग रिमार्क इस पे चाहिए कि जो हमारा आज का सब्जेक्ट था कि जैविक हथियारों का नया युग, सभी महाशक्तियां इस पे काम कर रही हैं, सबके लेबोरेटरीज में ये काम होते हैं, क्या दुनिया को जिस तरह से UNO की एग्जिस्टेंस हुई और उसमें जब किसी भी तरह का युद्ध किया ऐसे माहौल का होता है तो जेनेवा कन्वेंशन जब उन्होंने सेट किया, तो क्या इस तरह के जैविक हथियारों के ऊपर भी एक इंटरनेशनल कानून को डेवलप नहीं करना चाहिए? नहीं मैम, मैंने आपको बताया था 1920 जी 1925 में ही जेनेवा कन्वेंशन, 1972 में भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ है। और रिचर्ड निक्सन ने, मैंने पहले ही बोल दिया यादव जी नहीं जुड़े थे, रिचर्ड निक्सन ने यूनिलेटरली अपने देश में इस चीज को बैन कर दिया। उस वक्त ये बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन पे बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है और उस पे सारी कंट्रीज ने साइन किया हुआ, इवन चाइना ने साइन किया हुआ है जी। तो BWC पे ये हुआ था 1972 में। लेकिन सवाल ये है, देखिए चाइना ने तो बहुत चीजों पे हाँ की है, वो तो अभी एक इंटरनेशनल कोर्ट का जजमेंट उसके खिलाफ आया था, उसने मानने से मना कर दिया। यूनेस्को WHO वो हर चीज को धता पे रखता है, किसी चीज की मानता नहीं है। जब एक देश की मेंटेलिटी ऐसी हो, देखिए वॉरफेयर ऐसा नहीं है, एक तो एक्टिव वॉरफेयर होता है और प्रॉक्सी वॉरफेयर भी हमेशा चलती रहती है। मैं आपको बता दूं, क्या रशिया और अमेरिका में प्रॉक्सी वॉरफेयर, इकोनॉमिक प्रॉक्सी वॉरफेयर नहीं चला था, 20 साल तक चला था, जिसके परिणाम में रशिया टूट गया। तो नेचर ऑफ वॉर आप समझिए। हाँ मैं यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है ये डायरेक्ट बायोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं है, लेकिन ये एक प्रॉक्सी वॉरफेयर मैं इसको मान के चलता हूँ। हमें इससे लर्निंग लेनी पड़ेगी और ये एक, आप ये मान के चलिए कि हमें ये इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि हम कितने तैयार हैं। आप देखिए ना हमारे देश की सारी व्यवस्थाएं जो है एक तरीके से चरमरा सी गई है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इस प्रोस्पेक्टिव में देखें, मैक्सिमम हाइट पे ले जाकर के इस चीज को देखें।
देखिए तर्क देने को कोई आदमी कोई भी दे सकता है, सब फ्री है, लेकिन ये लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड मैटर है यहाँ पे। अभी भी इसको हम, मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ कि ऐसी कौन सी दवाई ये बना रहे थे वुहान लैब में जो इस वायरस पे, ये भाई इस वायरस पे कोई पॉजिटिव वे में तो रिसर्च हो नहीं रही थी ना। यादव जी ने जो इबोला की बात की है वो इबोला के ट्रीटमेंट के लिए बन रही थी, इसी तरीके से जो इन्होंने और बातें की है वहां पे वो बाई मिस्टेक हुआ या वो ट्रीटमेंट। अच्छा वहां देखिए इबोला वगैरह में क्या हुआ, जैसे ही इंफेक्शन स्प्रेड आउट हुआ लेबोरेटरी ने उस देश ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भाई ये चीज हो गया है, सब लोग अलर्ट हो जाइए। चाइना ने बताया आपको, अगर हम लोगों के यहाँ नहीं फैला होता तो, या मीडिया के थ्रू नहीं आया, चाइना गवर्नमेंट तो आज भी नहीं बोल रही है। उनके इंटेंशन को देखिए, ये कोई दवा हुआ वहां नहीं बना रहे थे मैम, ये वॉरफेयर के पर्पज से ही उस चीज को डेवलप कर रहे थे, ये जो आपने बोला BWC पे साइन करने के बाद भी कर रहे थे। देखिए कोई अच्छा है बुरा है मैं नहीं बोल रहा हूं, बट 120 करोड़ लोगों की सेफ्टी के लिए जो भी मेजरमेंट हो सकते हैं यूनाइटेड वे में गवर्नमेंट को और पब्लिक को उठाना चाहिए। हमें खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए आगे भी, ऐसा नहीं कि कोरोना का कंट्रोल हो गया तो फिर से सब घूमने लगे, ये है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक को, आपका जो टाइटल है टॉपिक को, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, उसको डाइल्यूट नहीं किया जा सकता है। ये बहुत गंभीर विषय है, अगर हम इस पे गंभीर होकर के चिंतन नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, एक एक आदमी को हम अलर्ट नहीं करेंगे, तो फिर एक्चुअल वॉरफेयर में क्या होगा गॉड नोस, एट दैट टाइम डोंट ब्लेम। बिल्कुल